हर साल न जाने कितने स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। किसी का डिस्प्ले अच्छा है, किसी का प्रोसेसर धमाकेदार है, कोई डिजाइन और रंग रूप में सुनहरा है, तो किसी की बैटरी लाजवाब है। लेकिन इन सब में से आपके लिए आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पसंदीदा ब्रांड का और आपके ही पसंदीदा स्पेसिफिकेशंस वाला फोन कौन सा होना चाहिए, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय स्मार्ट प्राइसेस बाइंग गाइड, हेल्पिंग यू फाइंड इवन यू डोंट नो व्हाट लुकिंग फॉर। ज्यादा आर्टिस्टिक हो गया क्या? इन दिस एपिसोड हम कुछ ऐसे ही फोन्स पर नजर डालने वाले हैं जो बजट में आपको शानदार बैटरी लाइफ देते हैं, जहां पर बजट का मतलब है 20,000 रुपए और शानदार बैटरी लाइफ का मतलब है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग में 10 घंटे से भी ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम जिस फोन ने दिया है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है यश, आपका आज के लिए गाइड, और इसका नाम है Realme P1। जी हाँ, लिस्ट का पहला फोन। हाल ही में लॉन्च हुआ Realme P1 आता है Dimensity 7050 चिपसेट के साथ, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी और ये सपोर्ट करता है 45 वॉट्स की सुपर वूक चार्जिंग। एंड द गुड थिंग इज दैट इसका चार्जर बॉक्स में ही आता है। PC मार्क के बैटरी टेस्ट में लगभग 13 hours 29 minutes तक ये लास्ट किया जाए, दैट्स लाइक अ गुड नंबर। अगर पर्सनल यूजेज वाइज देखा जाए तो ये 6 से 7 घंटे के कंटिन्यूअस यूजेज के बाद भी डटा रहा था। अगर लाइट यूजेज में आप फोन देख रहे हो तो सिर्फ सोशल मीडिया, फोन कॉल, ईमेल वगैरह में ये लगभग 10 से 11 घंटे तक लास्ट किया था हमारी टेस्टिंग में। और 45 वॉट सुपरबूक चार्जिंग की बात करें तो भाई सिर्फ 30 मिनट में 0 से 52% तक ये चला गया था और इसको फुल चार्ज होने में लगभग लगा 1 घंटा 12 मिनट के आसपास। शुरुआती दाम है इसका 15,999 और इसका डिटेल कंपैरिजन अगर आपको Vivo T3 के साथ देखना है तो आई बटन पर टैप करो और एक इवन मोर इन्फॉर्म डिसीजन लो। अब इससे यू माइट हैव ऑलरेडी गेस लिस्ट में कौन सा अगला डिवाइस है। इट्स Vivo T3। प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7200, आगे है 6.67 इंच की AMOLED पैनल और रियर में है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी डिपार्टमेंट पर नजर डाले तो 5000 mAh की बैटरी है विद 44 वॉट्स ऑफ फ्लैश चार्जिंग। PC मार्क बैटरी टेस्ट में Vivo T3 लास्ट फॉर 13 घंटे 35 मिनट के आसपास, एंड दैट्स लाइक अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। रियल लाइफ यूजेज की बात करें तो Vivo T3 ने आराम से अपना पूरा दिन निकाल लिया था बिना चार्जर की जरूरत पड़े। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 0 to 49% ये चला जाता है अपने 44 वॉट्स के फ्लैश चार्ज अडैप्टर से सिर्फ 30 मिनट में, वेयरएज टोटल चार्जिंग टाइम इसको लगभग 1 घंटा 44 मिनट के आसपास लगा। इसका प्राइस है 19,999 फॉर 8GB RAM 128GB स्टोरेज और ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है इफ यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन विद अ गुड बैटरी। Moto G64 की अगर बात करें तो भाई स्पेक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले MediaTek Dimensity 7025 आपको इसमें मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और ऑन द बैटरी साइड ऑफ थिंग्स देखें तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 33 वॉट्स की चार्जिंग। हमने मल्टीपल टाइम्स इस पर PC मार्क का बैटरी टेस्ट रन किया बट फॉर सम रीजन ये 10 घंटे से ज्यादा जा ही नहीं रहा था इवन दो इसमें 6000 mAh की बैटरी है। वियर्ड। फर्स्ट टेस्ट में इट रन फॉर 9 hours 2 minutes, सेकंड टेस्ट में थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेकिन 9 घंटा 24 मिनट पर ही रुक गया। अब एक चीज है यहाँ पर, इवन दो दिस इज जस्ट PC मार्क का नंबर लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में इट इजिली वेंट फॉर 1.5 days। ये भाई साहब 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं एंड लकीली अडैप्टर आल्सो यू गेट इन द बॉक्स, तो आधे घंटे में लगभग 0 से 35% पर जाता है ये और फुल चार्ज होने में इसको लगता है लगभग 1 घंटा 35 मिनट के आसपास। अगर एक बड़ी बैटरी के साथ आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹13,999 ये फोन भी भाई सॉलिड है। लेकिन सिर्फ Moto G64 एक ऐसा फोन नहीं है जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, ये मार्जिन भी तो बैठे हैं। Vivo T3X अंदर मिलेगा आपको Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज की LCD पैनल और बाकी कंपटीशन जैसा ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी है जैसे कि मैंने बताया और साथ में है 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। PC मार्क टेस्ट में ये एग्जैक्ट 10 hours 48 minutes तक लास्ट किया व्हिच इज लाइक अ रियली डीसेंट नंबर। और हमने यही सेम चीज जनरल यूजेज वाइज भी नोटिस करी कि लाइट टू मॉडरेट यूजेज में ये अराउंड 10 से 11 घंटे तक सॉलिड चलता है और कुछ हैवी यूजेज करोगे जैसे गेमिंग या फिर कांस्टेंट सोशल मीडिया यूजेज बाय पुटिंग दैट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले टू यूज तो हाँ तब ये 7-8 घंटे तक आराम से चल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो इसको फुल चार्ज होने में 154 मिनट जैसा लगा जो इफ यू लुक एट द स्टार्टिंग प्राइस 13,999 शायद जस्टिफाइड है। खैर अगर एक बड़ी बैटरी आपकी प्रेफरेंस है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं भी है इतनी ज्यादा खास तो चलेगी तो ये काफी बढ़िया डील हो सकती है। बात करते हैं अगले फोन की, लावा ब्लेज कर्व 5G। पैकेज में है MediaTek Dimensity 7050, साथ में है कर्व्ड AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। 5000 mAh की बैटरी है और 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये करता है और खुशखबरी ये है कि चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। PC मार्क बैटरी टेस्ट में लगभग 9 hours 38 minutes तक ये लास्ट किया था विच इज नॉट समथिंग एक्सेप्शनल बट अगर रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करें तो कंफर्टेबली आपका एक दिन ये निकाल देगा विदाउट एनी नीड टू रीच फॉर द चार्जर। लेकिन एक चीज जो स्लाइटली बेटर हो सकती थी वो है चार्जिंग, क्योंकि हमारी टेस्टिंग में इसने 2 घंटा 13 मिनट लिया फुल चार्ज होने में एंड ये काफी बड़ा नंबर है यार। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन
में इट कैन गो फ्रॉम 0 to 34% इन जस्ट 30 minutes. अब मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी यूजेस के लिए फिर भी ठीक है. सो अगर आपको स्लो चार्जिंग से दिक्कत नहीं है और आपको एक बढ़िया कर्व्ड एमोलेड वाला डिस्प्ले चाहिए जिसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाती है, यू शुड प्रोबेबली चेक दिस वन आउट. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नो पोवा 6 प्रो. अगर स्पेक्स की बात करें तो लिस्ट में है डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर, एक चमक दमक वाला हटके डिजाइन, 120 हर्ट्ज की एमोलेड फ्लैट पैनल और 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा. बैटरी देखें तो इसमें 6000 एमएच का पैकेज और ये सपोर्ट करता है 70 वॉट्स की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग. नाइस. अब ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोन है. पहली बात तो ये कि इसने पीसी मार्क बैटरी टेस्ट पर 6000 एमएच बैटरी होने के बाद भी 7 घंटा 52 मिनट लास्ट किया, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में अंडर मॉडरेट यूसेज ये 2 दिन तक चला गया. अब वो तो ठीक है, लेकिन इसकी बैटरी साइज से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी 70 वॉट्स की चार्जिंग. ये 30 मिनट में 0 to 48% चला जाता है और 100% चला जाता है 1 घंटा 30 मिनट में. नाउ दिस नंबर लुक्स ऑड कि 1.5 घंटा कैसे लग रहा है, बट इफ यू लुकिंग एट ऑल द 6000 एमएच फोन, ये टाइम सबसे कम है भाई. इसका स्टार्टिंग प्राइस है 19 line, और उस हिसाब से इतनी बड़ी बैटरी विद ऐसी चार्जिंग आई थिंक अभी मैच नहीं हुई है. तो अगर आप ऑलमोस्ट 2 day बैटरी वाला फोन देख रहे हो ना विद फास्ट चार्जिंग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसे फोन्स जो 20,000 के अंडर में बैटरी के टर्म्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं और जिनको हमने खुद से टेस्ट किया है. आपको इनमें से फोन कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट्स में बताओ, और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो फोन वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं. मेरा नाम है यश, आपका आज का गाइड, लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.